पटना बिहार राज्य का एक प्रमुख शहर है। पटना को बिहार की प्रशासनिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता के बाद पटना पूर्वी भारत का दूसरा सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर भी है। आर्यभट्ट, चाणक्या और कालिदास जैसे महान व्यक्तियों का जन्म भी पटना की धरती पर हुआ था, जिन्हें ज्ञान के क्षेत्र में आज भी धुरंधर माना जाता है। पटना बिहार के सबसे तेजी से विकसित होने वाले जिलों में से एक है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के पटना से ही सबसे ज्यादा IAS अधिकारी निकलते हैं। इसके अलावा दुनिया का सबसे लंबा पुल भी पटना में ही मौजूद है, जिसे महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। ये शहर भारत की राजधानी नई दिल्ली से 1072 किलोमीटर दूर स्थित है। पटना दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर भी है जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई नेटवर्क जोन मौजूद है, जिसका नेटवर्क जोन 20 किलोमीटर का है। लगभग 600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए पटना शहर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 16 लाख से ऊपर थी। आबादी के लिहाज से पटना बिहार का पहला और भारत का 19वां सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर है। धार्मिक दृष्टिकोण से पटना शहर में 91% हिंदू, 7.5% मुसलमान, 0.2% ईसाई अथवा 2.3% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। पटना शहर की साक्षरता दर 71% है। साक्षरता के दृष्टिकोण से पटना बिहार का दूसरा सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वर्ग वाले लोगों का शहर भी है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि पुटराका नाम के राजा ने इस शहर को अपनी पत्नी पाटली के लिए जादू से बनाया था। उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम पाटलिपुत्र पड़ा। एक दूसरी मान्यता के अनुसार पाटली नाम की प्रजाति का पेड़ होता है जो सिर्फ पटना में ही पाया जाता है, जिसके नाम पर इस शहर का नाम पाटलिपुत्र पड़ा। परंतु शेर शाह सूरी के शासनकाल में माता पाटनी के नाम पर इसका नाम पटना हो गया। पटना शहर में स्थित बोरिंग रोड पर शहर की पहली पानी की बोरिंग हुई थी, इसीलिए इसको आज के समय में बोरिंग रोड के नाम से जाना जाता है। भारत की आज़ादी में बिहार के पटना का विशेष योगदान रहा था। चंपारण आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी पटना से ही हुई थी। पटना शहर को बिहार का एजुकेशन हब भी बोला जाता है। पटना शहर का IIT कॉलेज, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, पटना साइंस कॉलेज, MET यूनिवर्सिटी, पटना वुमेन्स कॉलेज और आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी यहाँ के प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं। कई सारे बॉलीवुड के ऐसे चेहरे भी हैं जिनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था, जिनमें महान कलाकार सुशांत सिंह राजपूत, गीतकार मीका सिंह, पंकज त्रिपाठी, एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा, मनोज वाजपेयी, अंशुमन सिंह, शेखर सुमन आदि अन्य बॉलीवुड जगत के कई बड़े चेहरे शामिल हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से पटना शहर रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग अर्थात तीनों मार्गों से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, पटना शहर में कुल 6 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, पाटलिपुत्र जंक्शन, पटना साहिब, गुलजारबाग और दानापुर रेलवे स्टेशन, जिसमें से पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन बिहार का ही नहीं बल्कि भारत के सबसे व्यस्त एवं बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। हावड़ा जंक्शन के बाद पटना जंक्शन पूर्वी भारत का दूसरा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन भी है। ये रेलवे स्टेशन हावड़ा दिल्ली मेन लाइन, पटना गया लाइन, पटना मुगलसराय लाइन और पटना हाजीपुर लाइन पर मौजूद है। राजगिरा एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, महानंदा एक्सप्रेस और हावड़ा स्पेशल जैसी कई प्रमुख रेलगाड़ियां पटना जंक्शन से होकर गुजरती हैं। सड़क मार्ग, पटना शहर में कुल 3 बस स्टैंड मौजूद हैं, मीठापुर, ISTB और गांधी मैदान बस स्टैंड। पटना शहर के ये तीनों बस अड्डे भारत के कई शहरों से जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए आप पटना शहर तक पहुंच सकते हैं। वायु मार्ग, पटना के शेखपुरा इलाके में स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल हवाई अड्डा बिहार के प्रमुख हवाई अड्डों में से एक है। पटना का ये हवाई अड्डा भारत का 14वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा भी है। पटना हवाई अड्डा अपने वायु मार्ग के जरिए दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, बेंगलुरु, मुंबई आदि भारत के कई अन्य बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। पटना शहर से कई सारी महान हस्तियों का भी गहरा संबंध रहा है, जिनमें शून्य का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त मौर्य, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव शामिल हैं।
पटना शहर अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों की वजह से भी जाना जाता है। हर साल लाखों सैलानी पटना शहर की खूबसूरती को देखने आते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से पर्यटक स्थल हैं जिनके बिना पटना शहर का भ्रमण अधूरा है। गोलघर। गोलघर पटना के गांधी मैदान के पश्चिमी छोर पर स्थित है। इसका निर्माण ब्रिटिश काल में अनाज के भंडारण के लिए हुआ था। इस ऐतिहासिक इमारत की ऊंचाई लगभग 29 मीटर तथा चौड़ाई 125 मीटर है। गोलघर के अंदर अगर आप कुछ बोलते हैं तो वो आवाज लगभग 30 से ज्यादा बार गूंजती है। गोलघर के ऊपर चढ़ने के बाद पूरा पटना शहर दिखता है, जो देखने में काफी खूबसूरत लगता है। पटना साहिब। पटना साहिब भारत के प्रमुख गुरुद्वारों में से एक है। ये वही स्थान है जहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। इस गुरुद्वारे का निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने गुरु गोविंद सिंह की याद में करवाया था। हर साल गुरु गोविंद सिंह जयंती के पावन अवसर पर यहाँ पर विशाल लंगड़ का आयोजन होता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के विभिन्न हिस्सों से आते हैं। बुद्ध स्मृति पार्क। बुद्ध स्मृति पार्क पटना का सबसे प्रसिद्ध पार्क है। इस पार्क को बुद्ध मेमोरियल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 22 एकड़ के क्षेत्र में फैले हुए इस पार्क को बनाने की लागत 125 करोड़ रुपए आई थी। पार्क के अंदर लगभग 200 फीट ऊंचा बौद्ध स्तूप बना हुआ है, जो देखने में काफी सुंदर लगता है। पार्क के अंदर म्यूजियम, लाइब्रेरी और मेडिटेशन सेंटर भी मौजूद है। इसके अलावा शाम के समय यहाँ पर लेजर लाइट शो भी होता है। चिड़ियाघर। सन 1959 में खुला ये चिड़ियाघर भारत के प्रमुख चिड़ियाघरों में से एक है। पटना के बेली रोड पर स्थित इस चिड़ियाघर को संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। एक अनुमान के अनुसार इस चिड़ियाघर में हर साल 8 लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं। यहाँ पर आपको बाघ, शेर, तेंदुआ, विभिन्न प्रकार के भालू, चिंपैंजी, हिरण समेत कई अन्य जानवर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों के लिए टॉय ट्रेन भी चलती है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। महावीर मंदिर। पटना जंक्शन से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित महावीर मंदिर पटना के प्रमुख मंदिरों में से एक है। ये मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण सन 1730 में संत बालानंद स्वामी के द्वारा करवाया गया था। हनुमान जयंती और रामनवमी के पावन अवसर पर यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन भी होता है। इन पर्यटक स्थलों के अलावा आप पटना शहर के कई अन्य पर्यटक स्थलों का भी भ्रमण कर सकते हैं, जिनमें गांधी मैदान, महात्मा गांधी सेतु, इको पार्क, पाटन देवी मंदिर, इंदिरा गांधी तारामंडल, अगम कुआं, फंटेसिया वाटर पार्क, गांधी घाट, कुम्हरार पार्क, छोटी दरगाह यहाँ के अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमको कमेंट में एक बार जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि भविष्य का हर एक वीडियो आप सरलता से देख पाएं।